नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आंचल और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। सुंदरनगर स्थित सीआरपीएफ कैंप में जवान की मौत, वजह स्पष्ट नहीं। सर्विस रिवॉल्वर सहित 3 वर्षों से लापता दरोगा के क्वार्टर का ताला तोड़ा गया। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में महिलाओं का हल्ला बोल। डीआरएम ने चांडिल स्टेशन व आसपास किया निरीक्षण, लापरवाही पर लगाई फटकार। और विमेंस कॉलेज में एक भारत श्रेष्ठ भारत महोत्सव का रंगारंग समापन। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। सुंदरनगर थाना अंतर्गत ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ कैंप में शुक्रवार को एक जवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और दिल का दौरा आया। सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी सूचना पाकर पहुंचे और तत्काल उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, मगर वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जवान का नाम विष्णु तिवारी था, जो जामताड़ा का रहने वाला था। जवान के परिजनों को जानकारी दे दी गई है और अधिकारियों ने जरूरी प्रक्रिया पूरी कर दी है। और अब एक दुखद खबर की ओर से बढ़ते हैं आदित्यपुर की ओर। आदित्यपुर थाने में पदस्थापित दरोगा आलोक कुमार सिंह सर्विस रिवॉल्वर समेत 3 साल से लापता है। शुक्रवार को दरोगा के क्वार्टर का ताला तोड़ने का आदेश पारित किया गया। आदित्यपुर थाना में पदस्थापित दरोगा आलोक कुमार सिंह 23 नवंबर 2017 से बिना किसी सूचना के सर्विस रिवॉल्वर सहित लापता है। विभागीय जानकारी नहीं होने के बाद उपायुक्त ने एक दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करते हुए लापता दरोगा के कमरे का ताला तोड़ने का निर्देश दिया। हमको कहा गया है दरवाजा तोड़ना है और देखना है वो पिस्टल और गोली मिलता है कि नहीं, मिलेगा तो जब्त करके थाना पर आए। आलोक कुमार सिंह 23 नवंबर 2017 से वो अपने कर्तव्य में नहीं आया। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को है। कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति की ओर से शुक्रवार को केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने देश भर की आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के विरोध में जमकर नारेबाजी की, साथ ही वेतनमान में वृद्धि की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने NRC और NRP का भी विरोध करते हुए कहा कि कामकाजी महिलाएं दस्तावेज दिखाने में सक्षम नहीं हैं। सभी को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, सबको देना होगा, देना होगा, समान काम का समान मजदूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये जो है कामकाज को लेकर जो है यहाँ पर महिलाओं को समान काम की समान मजदूरी नहीं मिल रही है। आंगनबाड़ी सेविका जो इतनी है 80,000 यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका है, उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। पोषण हार के बजट में भी मोदी सरकार ने कमी कर दिया, पहले ही कम था, ऊपर से और कमी कर दिया है। इससे क्या हो रहा है कि बच्चों को ठीक पोषण हार नहीं मिल रहा है, आंगनबाड़ी के वेतन में भी कटौती हो रहा है, उनका कोई भी सुविधा सामाजिक सुरक्षा या उनका जो है आने जाने रास्ता में जो है कोई भी तरह का सुरक्षा उनको नहीं मिलता। CKP डिवीजन के DRM विजय कुमार साहू ने चांडिल रेलवे यार्ड और स्टेशन के इर्द गिर्द घूम घूम कर निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे ट्रैक, रेलवे क्रॉसिंग जाकर तकनीकी सुरक्षा का जायजा भी लिया। साथ ही जहां उन्होंने लापरवाही और त्रुटि पाई, वहां उन्होंने कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि चांडिल के 3 रेलवे फाटकों को बंद कर दिया जाएगा और बहुत जल्द लोगों को बाईपास की सुविधा दे दी जाएगी। क्वार्टर से हमारे प्रिंसिपल सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पर हमारे साथ आए हुए हैं। उनकी पूरी 4-5 HOD का टीम है जो कि सारे सेफ्टी एस्पेक्ट इस सेक्शन का देख रहे हैं। तो ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, संरक्षा बढ़ाने के लिए ये हम कर रहे हैं। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय एक भारत श्रेष्ठ भारत महोत्सव सम्पन्न हो गया। महोत्सव में छात्राओं ने गोवा और झारखंड की संस्कृतियों को एक मंच पर एक सूत्र में पिरोकर खूब वाहवाही लूटी। 2 राज्यों के इस अद्भुत समागम में पारंपरिक नृत्य के अलावा रहन सहन, खान पान के अलावा परिधानों को भी बेहतरीन तरीके से पेश किया गया। वहीं समापन कार्यक्रम में काफी रंगारंग रहा और विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। अफकारी विभाग ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शराब माफियाओं को गिरफ्तार करते हुए
न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर एमजीएम थाना अंतर्गत भिलाई पहाड़ी के पास एक ऑटो से अवैध शराब की ढुलाई हो रही थी। उत्पाद निरीक्षक के नेतृत्व में छापामारी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 720 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया। अबकारी विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज सुबह गश्ती के क्रम में हम लोग एनएच पे हम लोग गश्ती कर रहे थे, तो भिलाई पहाड़ी में वहाँ पे हमने देखा कि एक काले रंग के ऑटो पे 3 आदमी बैठे हुए आ रहे थे, तो हम लोगों ने उसको रोक के जब जांच किया तो पाया कि वो लोग दारू के साथ जो महुआ शराब जो है उसके साथ वो लोग लेके आ रहे थे शहर की ओर। सदर अस्पताल में शुक्रवार को एक सबर महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, पर महिला बार बार अस्पताल से चले जाने की जिद कर रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर महेश प्रसाद ने महिला को काफी समझाया तब जाकर वो इलाज कराने के लिए राजी हुई। परिजनों ने गत 2 मार्च को महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन महिला अस्पताल में रहना नहीं चाह रही थी। फिलहाल महिला अस्पताल में ही है, मगर उनके परिजनों का अता पता नहीं है। सबर महिला है, 2 तारीख को आई है। हमारे इसकी काफ़ी गंभीर स्थिति थी, उपचार उपरांत अभी कुछ बेहतर स्थिति है, लेकिन अभी भी इसका हीमोग्लोबिन 5.8 है और इसके घर वाले लोग, इसका बेटा, इनको जबरदस्ती नहीं थक वो नहीं है जब वो बड़ी। झारखंड मजदूर यूनियन ने टाटा मोटर्स कानवाई चालकों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अब 25 मार्च को अदालत के फैसले का इंतजार है। झारखंड मजदूर यूनियन के अध्यक्ष दुलाल भुइया ने कहा कि टाटा मोटर्स के 995 कानवाई चालकों को न्याय दिलाने के लिए 2007 से लड़ रहे कानूनी लड़ाई में अब तक फैसले की घड़ी आ गई है। 25 मार्च को माननीय अदालत का फैसला आना है। कई वर्षों से टाटा मोटर्स कानवाई ड्राइवरों का संवैधानिक मांग को लेकर के झारखंड मजदूर यूनियन ने 2007 में सदन से लेकर सड़क तक हम लोग ने इसका लड़ाई लड़ा। टाटा मोटर्स कानवाई चालक के पक्ष में प्रबंधक TTCA और टेलको टाटा मोटर्स के तरफ से निराशाजनक असंवैधानिक रूप से फैसला दिया। उस समय तत्कालीन DC साहब ने जिस तरह से वहां के कानवाई चालक जो है 995 कानवाई चालक है और उनको कहा कि रिटायरमेंट पीरियड के लोग हैं, इनको हटाया जाए, तो हम लोग ने सदन में भी हमने इसकी आवाज उठाए थे कि इन लोग को अगर रिटायर कर रहा टाटा मोटर्स या TTC ये जो कॉन्ट्रैक्टर टाटा मोटर्स का, तो इनके पूरा सेटलमेंट दिया जाए। झारखंड महिला पोल्ट्री सहकारी संघ द्वारा चिकन फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। संघ का दावा है कि चिकन या अंडे से कोरोना वायरस का कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया से यह अफवाह उड़ाई गई कि चिकन और अंडे से कोरोना वायरस फैल रही है, मगर सरकार ने खुद ही इसे एक अफवाह बताते हुए सभी जिलों में इस तरह के फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों में भ्रांतियाँ ना फैले। आज चिकन एक फेस्टिवल का आयोजन किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो आम जनता का बीच में अलग अलग मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह से अलग अलग मीडिया द्वारा जो एक अफवाह फैल रहा है, जो चिकन खाने से, अंडा खाने से आप लोग बचे, उसी से कोई बहुत लोग कोरोना के साथ उसको लिंक किया जाता है। वास्तविकता वही है जो चिकन के साथ या चिकन एक के साथ कोरोना का कोई रिलेशन नहीं।
उलीडी से उपायुक्त कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने जाहिर थान की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत की है। साथ ही कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। उनका नेतृत्व डेमका सोए कर रहे हैं। बहुत दिन से हम लोग 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हाँ, हमारा एक कब्रस्तान है, जब से आदिकाल से हमारा कब्रस्तान है मानपुर नोटिपेड एरिया में। उस कब्रस्तान में इंक्रोचमेंट हो रहा है, बालू का ढेर लगाया गया है, थाना का मिली भगत से वहाँ बालू सेल हो रहा है। माइनिंग डिपार्टमेंट और स्थानीय प्रशासन पूरा उलीडी थाना क्षेत्र में कई जगह पर बालू का बिक्री हो रहा है। शहर में होली का हुड़दंग शुरू हो चुका है। सोनार स्थित लिटिल मिलेनियम स्कूल में बच्चों ने जमकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया, मस्ती की और होली की शुभकामनाएं दी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन अनुशासन के साथ पठन पाठन में अव्वल, हर वर्ष 100% रिजल्ट का रिकॉर्ड, वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, नर्सरी से प्लस टू तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित। निकेतन में हमारे प्रांगण में धूमधाम से गायत्री शिक्षा निकेतन, रोड नंबर 4, आदित्यपुर 2, नियर 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल। RMS हाई स्कूल बालीचेला सोनारी जमशेदपुर, इंग्लिश मीडियम बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न, क्लासेस नर्सरी टू स्टैंडर्ड 7, क्वालिटी एजुकेशन, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, वैल्यू एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, एडमिशन गोइंग ऑन। कॉन्टैक्ट डिस्पेंसरी रोड सोनारी जमशेदपुर। हमारी जो मैनेजमेंट है ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कमिटेड फॉर सोशल वर्क, बहुत ही प्रॉमिसिंग मैनेजमेंट है जो कि सोसाइटी के हर तबके को लोगों को हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा इन लोग कमिटेड हैं। अपार्ट फ्रॉम BPL कोटा, हमारे यहाँ उन बच्चों को भी स्कॉलरशिप दी जाती है जो किसी रूप में बहुत वीक हैं, उनका फिनेंशियल कंडीशन कमज़ोर है, और बच्चे बहुत ब्राइट हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी हम लोग मोटिवेट करने के लिए हमारे यहाँ BPL कोटा का, अपार्ट फ्रॉम BPL कोटा, हमारे टोटल स्कूल में हम लोग 70-75 बच्चों को मंथली स्कॉलरशिप भी देते हैं। सिटीज लाइफ, सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस फॉर जेंट्स, सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है साथियां,
काला टीका जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड अपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। क्रीम रोल, फ्रूट केक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, मैरिज एनिवर्सरी केक एंड स्कूल ऑर्डर स्पेशलिस्ट। प्लीज डू विजिट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Success steps, English communication, skill development and personality development. You can change your life. Training includes English speaking and fluency development, easy way to learn English grammar, public speaking, English communication, skill development, personality development, चाइल्ड एंड पेरेंट काउंसलिंग। मेरा सारा डर खत्म हो गया। मैं जितने भी मतलब डरती थी इंटरव्यू के टाइम पे, कहीं जाने में, किसी के फेस करने में, किसी का सामना करने में, बट जब से मैं यहाँ आई हूँ, एक महीना हुआ मुझे आए, मेरा सारा डर खत्म हो गया। मैं अब कहीं भी खड़े होकर कितने भी अच्छे से बोल सकती हूँ, किसी भी इंसान के सामने कहीं भी इंटरव्यू हो, चाहे वो बड़े से बड़े जगह पर क्यों ना हो, मैं आराम से बोल सकती हूँ। मुझे ज्वाइन किए हुए यहाँ 2 महीने हो चुके हैं और यहाँ पर आके इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ मिला मुझे कि अब एकदम पावर आ गया है कि कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकूं यहाँ से निकलने के बाद। और सैकड़ों बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, निकल चुके हैं यहाँ से, और बहुत अच्छे जगह टाटा स्टील वगैरह कंपनियों में उनका प्लेसमेंट हुआ है। बेसिकली हम ये समाज में ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बिना कम्युनिकेशन स्किल के आपको जॉब नहीं हो सकता है, क्योंकि डिग्री से कभी जॉब नहीं होता है। अगर आपके पास डिग्री है और कम्युनिकेशन स्किल और ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी नहीं है, तो आप जॉब नहीं पा सकते। एडमिशन ओपन, Hurry up, you can change your life. Address, near Kamal School, Bal Vihar, Sonari, Jamshedpur. Mobile number 700-491-2948. 9031-97-7274. Email address, kumariusha00@gmail.com.